ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ऐसी कथा मिलती है कि खलियान में किसान जब दाया करता, दाया का अर्थ होता है वहाँ बोनी नहीं, दाया जो है फसल जब आ जाती, हाँ फसल आ जाती है। अब आप लोगों को मालूम नहीं है सुनो तो, तो उसमें बैलों से किया जाता है, कभी कभी पत्थर के रूलर घुमाते हैं, तो उसमें पाँच छः सात आठ बैलों को जोड़ते हैं, कहीं कहीं पे भैंसों को भी जोड़ते हैं, हाँ, और उसके सिट्टे जो होते हैं बाल वगैरह, तो वह धीरे धीरे टूटते रहते हैं। उसी बीच में कोई भी पाड़ा कोई बैल मुंह मार लेता नैसों से, तो किसान सोचता कि ये भैया ये तो इसको तो हजम तो होगा ही नहीं, क्योंकि साबुत धान ये मनुष्य के लिए ही नहीं जानवर के लिए भी हितकारी नहीं। कभी कभी ऐसे खा लेते हैं लोभ में, तो वैसे को वैसे ही वो हाँ गोबर में निकल जाता है। तो उसके लिए पहले से ही उसके हित के अपेक्षा से और दाया करते हुए उसको मुस्की मुस्की बोलते हैं, जैसे जैसे अभी जो है सब लोगों के ऊपर मुस्का लगा हुआ सबके ऊपर। तो इसके निमित्त को लेकर के हमने सुनी थी, अपने महापुराण में तो नहीं मिला, संभव है पीतांबर में वो मिलता है। तो उस समय जब कभी भी बैलों को मुस्की लगाई थी और उस के खाने से मना कर दिया, उसके फलस्वरूप उनको कर्म बंधा, और जब वो आहार के लिए निकले तो एक वर्ष तक उनको आहार नहीं मिला। सुन रहे हो नहीं, मतलब की बात सुन लो, ऐसे इसके साथ तालमेल बनाया। ऐसे क्यों हुआ, तो ऐसा उन्होंने बैलों के मुख पर मुस्का बांधा था, इसीलिए उनको एक वर्ष तक, छः महीने तो अपनी तरफ से एक संकल्प था, छः महीने उनको पुनः संकल्प लेना पड़ा, तो एक वर्ष तक लगातार ये उनके मुख पर मुस्का का प्रभाव देखने को उपलब्ध होता है। देखो आप लोगों के इतिहास में कौन से ऋणानुबंध हैं, महाराज हम तो कुछ भी नहीं,
बिल्कुल क्या बिल्कुल बताओ, जब से खबर है तब से हमने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा। तो कहा जाता है इस जीवन में भले नहीं करो, लेकिन पूर्व जीवन में कई व्यक्तियों के मुख पर मुंह का बांधा होगा कई जन्म तक, इसलिए आपके लिए अड़चन आ रही है। तो हमें तो कि दूसरे के लिए निमित्त न बांध करके उसमें कारण अपना ही परिणाम था, अपने द्वारा परिणाम के द्वारा कर्म बंधे थे। अब वो निमित्त को लेकर के उदय में आते हैं कि ये बहुत पुराने खाता है, नहीं समझे आज का नहीं। हाँ तो पुराने खाते को तो आपको पूर्ण तो करना है। हाँ आप उसको ऋण को चुकाना चाहो, मना करना चाहो तो नहीं मैं होगा, चाहे आज करो चाहे कल करो, करना ही तो पड़ा ही है। तो ये एक सिद्धांत है, ये एक नियम है। इस नियम को जो व्यक्ति विश्वासपूर्वक पालन करता है तो निश्चित रूप से उसमें कमी आ सकती है। यदि आप कर्म की भार को कम करना चाहते हो, पूर्णतः समाप्त करना चाहते हो, तो पूरा पूरा इतिहास खुलेगा। अब हमने नहीं किया था, तुमने नहीं किया था, देखो आप मानो स्वीकार कर लो, भले ही आपको याद नहीं है, पर इतिहास का याद पढ़ा करके नहीं रह पाता। रात भर हम इतिहास पढ़ते थे, सुबह देखते तो साफ हो जाता वो याद ही नहीं रहते है। तो उसे ऐसा ही, ऐसा स्वयं का भी इतिहास ऐसा ही है, वो याद नहीं रहता, लेकिन वह याद दिलाने वाला कर्म है कि तुमने किया है। हो कह दो नहीं है तो फिर डबल खर्च होगा, इसलिए ऐसा बहुत अच्छा। तो इसको सुन करके मैंने सोचा कि कितना लंबा चौड़ा काल प्राचीन सा संबंध कर्मों के साथ जुड़ा हुआ, इस भोग में उसको भोगना पड़ रहा है। तो भोगना है तो शांति के साथ, साहस के साथ, संकल्प के साथ, मैं किसी के ऊपर इसको थोपूं नहीं, मैं अपना ही स्वीकार करता हूँ। यह अपनी गलती को सुनो आचरण से, अपनी गलती को जो इतिहास में है, उस गलती को जो व्यक्ति मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से स्वीकार करता है, वही व्यक्ति इन सारे कर्मों से ऊपर चला जाता है और उनको सब समाप्त कर देता है। यदि आप देर से स्वीकार करोगे तो देर से ही कर्म कटेंगे। नहीं समझे, कर्म तो जड़ है, जड़ तो है लेकिन आपको जड़ बनाए रखा उसने। हाँ आपका जड़ तो ये समाप्त तब होगा जब कर्मों का पूरा पूरा लेन देन पूर्ण होगा। एक एक पाई आपको देना है, और कह दो कर्ज दिया है ना, कर्ज लिया है, कर्ज समझते हो, लोन। आज को इसको लोन बोलते हैं। तो ये है, लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, एक रुपये लिया है तो 5 रुपये चुकाना पड़ेगा। हाँ आपने उसको खाया तो 5 गुना तो है, लेकिन कितने गुना भी ले लो, लेकिन हमें दे दो, ठीक ले लो।
फिर सरकार आपके पीछे लगेगी। लेते हो इसी प्रकार ये कर्म कर्ज के भांति है, इसमें कभी दया नहीं आती। जब आपको अपने स्वयं के ऊपर दया नहीं आई, कर्ज लिया, लोन लिया, अब इसको बोलते हैं इंग्लिश डिफॉल्टर है, वह लोन चुकाने के योग्य नहीं घोषित करता है। इस साल ले करो, इस भाव में ले करो, यदि अयोग्य है तो योग्य बना करके तुम्हारी पिटाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अब जोड़ना प्रारंभ कर दो और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके चुका लो। पहले के लोग इसी प्रकार जब से लिया तब से थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालना बचत चालू कर देते थे। देख लेंगे, देख क्या देखना है, ये तो पक्का है, नहीं समझे। यदि आप अपने जीवन में यदि नहीं चुका, थोड़ा भी नहीं चुका, विश्वास बाजार का सब समाप्त हो जाएगा। किसके मुँह पर ये आ गए, देखो मुँह वाला। कर्ज लेकर के आप उसको याद नहीं रखते नहीं तो पिताजी कह करके बच्चे को कह दे, बेटा तुम्हारे लिए इतना चुकाना है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम चुका लेंगे, हमने पहले लिया होगा, इस साल हम नहीं लेते, आपके लिए से देंगे, लेकिन मुझे तो चुकाना है। आप कह रहे हैं स्वयं इन्होंने स्वयं ने लिया था, तो कभी कभी नहीं लिया तो ऐसा कर नहीं है। जो एकदम स्थायी फंड के रूप में कुछ रहता है उसको कभी कभी हाथ लगाने की भावना हो जाती है। सुनते हैं रिजर्व बैंक जो है इसमें सरकार ने कहा इसने थोड़े से निकाल दो, यदि निकालना चाहते हो तो हम इस्तीफा दे सकते हैं, है? दे दिया, हाँ दिलवा देंगे, वो तो सरकार ऐसी है, हाँ, लेकिन हम तो ये कार्य नहीं कर सकते। आप लोगों की बात है ध्यान रख रहे, हाँ ऐसा होता है, सरकार ने कही नहीं निकालना पड़ेगा, इसके बिना आज का ये काम नहीं हो पाए, लेकिन हम इसके लिए बंधे हुए हैं, हम कभी भी किसी भी हालत में इस द्रव्य को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ क्योंकि वह एक प्रकार से हमारे अस्तित्व के लिए बटना है और हमारे अस्तित्व को वह एक प्रकार से हिला रहा है, ये तो नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं हो सकता, वो पहले से अनुबंध रहता है, अर्थव्यवस्था उसके बिना चल नहीं सकती। तो सरकार गति नहीं, आपको करना पड़ेगा, तो करो जबरदस्ती करवाओ तो करवाओ, क्या बात हो। हम तो अपनी तरफ से मन से वचन से काय से अनुबंध है हमारा, बिल्कुल नहीं। सरकार कोई भी आए और चली जाए, रिजर्व बैंक तो वही है, हाँ उसको कोई हिला दे सकता। तो ये है, आप लोगों को भी यही करना, कभी कभी आपके अच्छा किया हुआ कर्म भी बुरा हो जाता, उसमें कारण ऐसा है कि परिणाम आपके बिगड़ गए, तो उस परिणाम के बिगड़ने से वह काम जो अच्छा था वो बुरा के रूप में उदय में आकर के भोगना पड़ता है। तो हीरा भी कोयला बन सकता है, तो
अच्छा था उसको बुरा के रूप में आ गए, बुरा था अच्छा काम किया तो वो बुराई थी, वह पूरी पूरी अच्छाई के रूप में संक्रमण भी हो जाता। दोनों बातें हैं, इसलिए जब अच्छा कार्य करने का अवसर मिला है कर डालो, सौदा लेना है तो ले डालो, कामयाबी बिल्कुल। बाद में कोई आ ही नहीं सकता वो, क्योंकि यह द्रविक्षित काल भाव की बात है। तो आज आप लोग बुराई बहुत बहुत सारी किए हैं, अच्छा करने का आज अवसर प्राप्त है, चूको नहीं, उस अच्छे कार्य को कर डालो, बाद में आए गए। तो यह दोनों बातें हैं, सोच करके सट्टा खेलो। हाँ तो कर्मों को खेल तो ऐसा ही है। तो वह याद आ गया हमें, महाप्राण अपनी तो नहीं है लेकिन श्वेतांबर में हो सकता वहाँ पर, तो मुंह पर मुस्की मुस्का डाल दिया था और उसको खाने से मना कर दिया था, तो आज उनके लिए ऐसा कर्म का उदय आया कि सब कुछ होते हुए सब लोग हाथ देने के लिए तैयार है लेकिन पता ही नहीं, विधि मालूम नहीं और स्वयं कह नहीं सकते क्योंकि यह नियम ले रखा हम संकेत नहीं लेंगे। तो ऐसे कर्मों का और उसके साथ लड़ना पड़ता है, आप लोग लड़ना सीखो, तो कर्मों से लड़ना सीखो, आप उसमें क्या लड़ते हो। हाँ कर्मों से लड़ो, और बच्चों को भी कह दो तुम लड़ना लड़ना सीखो, यही एकमात्र संघर्ष में जीवन है, फिर बाद में आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री